महानगर में दिनांक 9 अगस्त को ICAI भवन में यानी चार्टर्ड अकाउंट भवन में दोपहर 12:30 बजे एक पत्र परिषद का आयोजन करते जानकारी दी गई कि इस वर्ष अमरावती में CA उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सत्कार किया गया है। साथ ही WIRC ऑफ ICAI की टीम का आगमन हुआ तथा भविष्य की अनेक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष मुर्तुजा कच्छवाला, श्वेता जैन, पीयूष चांडक, गौतम लाट अजमेरा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम कवर करते हैं हमारी विजिट के तरह टाइम पे। मैं पूछ रहा हूँ कि आप फोकसली CA के लिए, मतलब जैसे सपोज इंडस्ट्री के लिए CA आपकी एसोसिएशन है, लोकल बॉडी हो या रीजनल बॉडी हो, वो मैं देखता हूँ कि अमरावती में क्रेज है लोगों को CA के लिए, 29 लोग पास हुए हैं, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है यहाँ, या आप किस वे में आगे काम कर रहे हैं? सर ब्रांच का सर मतलब CA क्या क्या काम कर सकता है, कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, आई थिंक दैट इज बेटर। ठीक है ना, पीयूष जी बताएं। जैसे कि आज हम हमारे चेयरमैन सर ने बताया हम अमरावती में आए हैं। अमरावती की टोटल स्ट्रेंथ है मेंबर्स की अराउंड 350 मेंबर्स, और अभी इस बार 29 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है अमरावती के लिए भी कि 10% जितने मेंबर्स है उसमें 10% मेंबर लगभग ऐड हो गए, और उससे भी आगे ऑल इंडिया रैंक 3 जनों ने पाया है, 3rd रैंक है, 5th रैंक है और 43rd रैंक है। टोटल 50 रैंक सिर्फ दिए जाते हैं जो टॉप 50 है उनको, उसमें से 3 बच्चे अमरावती में रैंक होल्डर्स पाए गए हैं। सो ये बड़ी उपलब्धि है अमरावती के लिए भी, एक छोटी सिटी के लिए। मैं भी एक छोटी सिटी से आता हूँ, नासिक से। आगे आपने पूछा कि ये CA स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, CA जो बने क्या कर सकते हैं, तो CA का ये फील्ड सिर्फ अकाउंट टैक्सेशन और ऑडिट के लिए अभी मर्यादित नहीं रहा है। CA आप अगर ढूंढेंगे तो आप पाएंगे पॉलिटिक्स में भी CA है, फिल्म इंडस्ट्री में भी CA है, स्पोर्ट्स में भी CA है, पब्लिक सर्विसेज में भी CA है, IAS है, IRS है, IPS ऑफिसर्स भी CA बनते हैं। तो हम लोग यही गाइड करने के लिए आए थे इन बच्चों को कि आपके लिए पूरा आसमां खुला है, आप जो चाहो कर सकते हैं। CA क्वालिफिकेशन आपको इतनी ताकत दे देता है कि आप लोग जो चाहो वो नया परस्यू कर सकते हो। एक दो चार चीज और ऐड करता हूँ। जैसे आपने पूछा सी कोविड के पहले और कोविड के बाद बहुत चेंज हुई है ग्लोबल में। कोविड के पहले अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4-5 महीने के लिए इंडिया से CA US जाते थे। उनका सारबांस ऑक्सले का हर कंपनी को एक सॉक्स का टेस्टिंग करके रिपोर्ट देना रहता है। जैसे 2019 में कोविड हुआ तो बाद में ट्रैवल ही मुश्किल था। अच्छा, ट्रैवल क्यों करते थे? क्योंकि लोगों को डर लगता था कि इंडिया में डेटा देंगे तो डेटा सिक्योर रहेगा कि नहीं। 19 और 20 में ऑप्शन ही नहीं था, तो डेटा आने लगा, हमने यहाँ से काम किया और अच्छी तरह से डिलीवर करके दिया। अब अक्रॉस ग्लोब से काम इंडिया आने लगा है बहुत। और इंडिया के एडवांटेजेस क्या है? देखो, ग्लोबली कई सारी कंट्रीज इंग्लिश नहीं बात कर सकती जितना हम लोग अच्छे से बात करते हैं। चाइना का ओरल, रिटन और ओरल बहुत कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज नॉट दैट ग्रेट लाइक इंडिया। दूसरी चीज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हो या UK का गैप हो, हर चीज इंडिया के अकाउंटेंट को मालूम है, तो हम लोग उनके हिसाब से उनके अकाउंट्स उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बना के दे सकते हैं और दे रहे हैं। जो एक डर था डेटा का वो भी निकल गया, डेटा सेफ और सिक्योर है। लास्ट 2 साल में कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज इंडियंस हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। रात को 2 बजे भी कोई कंट्री सो रही है तो उसको काम डिलीवर कर रहे हैं, और कोई दुनिया के कोई कोने में कोई 5 बजे उठ रहा है तो भी हम उठ के काम पे लग रहे हैं। और आज अगर आप गूगल करके देखो लास्ट 10 दिन का, तो कम से कम 10 ग्लोबल नई कंपनीज ने इंडिया में आके डेटा सेंटर चालू किया होगा। मतलब सॉक्स टेस्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टेस्टिंग, पॉलिसी प्रोसीजर, अकाउंटिंग और ऑडिट, ये तो हो ही रहा है, लेकिन अभी पूरा डेटा एनालिटिक्स ऑटोमेशन के सेंटर्स इंडिया में ग्लोबल खुल रहे हैं। मैं आपको 2 या 3 नाम ही दूंगा। वोडाफोन का अक्रॉस ग्लोब एक एक कंट्री का अकाउंटिंग इंडिया में होता है, पूना, बैंगलोर और अहमदाबाद।
ऑर्डर टू कैश हो, प्रोक्योर टू पे हो, ट्रेजरी कैश मैनेजमेंट हो, सब कुछ इंडिया से होता है। अडानी के ग्लोबल पूरा अकाउंटिंग अहमदाबाद में शांतिग्राम में होता है। लेकिन वैसे ही अगर आप देखो फिडेलिटी जो बहुत बड़ी कंपनी है गुड़गांव में है, और टारगेट कॉरपोरेशन जो यूएस का सबसे बड़ा रिटेलर है, आज 1200 लोगों की टीम बैंगलोर में है। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी।